हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला के बारे में, जो आप लोगों का बेसिक क्लास का है। कहने का मतलब यह कि ये 10th क्लास में जो आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं, त्रिकोणमिति पढ़े हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोग को पूरा फुल डिटेल्स में फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको सारा फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो वो किस ट्रायंगल में पढ़ा जाता है, तो वो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं। वह ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज किसे बोला जाता है, जब उसमें एक जो एंगल है 90 डिग्री का होता है, तो उसको हम समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में आप लोगों को यह भी पता होगा कि 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है ना, ये जो भुजा है, इसको हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, या जिसको आप शॉर्ट में एच के नाम से जानते हैं, और थीटा के जो सामने वाला जो साइड होगा ना, उसको परपेंडिकुलर लंब, या जिसको शॉर्ट में पी बोलते हैं, और जो बच जाता है ना, उसको हम लोग आधार के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि सबसे बड़ा जो भुजा यानी बड़ा जो साइड होता है वह एच होता है, और ये जो दोनों है ना, आपस में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। एक और बात याद रखना कि ये याद रखिए, पी और बी जो है आपस में इंटरचेंज भी कर लेता है। कब करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, आपको बताते हैं। देखिए, यहां पर ये थीटा यहां था, यही थीटा अगर यहां पर चला जाए, ए पर चला जाए, तो अब आपको याद रखना है एच तो वही रहेगा, एच कभी नहीं बदलता है। लेकिन ये जो थीटा था, ये थीटा यहां आने के कारण अब थीटा के सामने वाला जो साइड हो जाएगा, ये वाला भुजा, ये पी हो जाएगा, और ये जो बच गया ई वाला अब बी होगा। यानी कि आपको बस याद रखना है कि पी और बी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन एच कभी आपस में नहीं, मतलब एच जो है वह फिक्स वहीं रहता है 90 के सामने वाला। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं नोट में कि 90 के सामने वाला एच होगा, थीटा के सामने वाला पी होगा, और जो बच जाएगा यानी तीसरा जो बचेगा उसको बी यानी कि बेस आधार बोलेंगे। ठीक है, ये तो आप समझ गए। एक नियम है पाइथागोरस थ्योरम, ये अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक फॉर्मूला है कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इसको उलट के भी लिख सकते थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी से आप दो फॉर्मूला और आसानी से निकाल सकते हैं। पहला कि अगर मान लीजिए आप h का मान निकालना चाहें, तो ये स्क्वायर को आप इधर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो लिख सकते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आपको इच्छा हो कि नहीं सर हम p का मान निकाले, तो अगर p का मान निकाले तो b को आप राइट साइड भेजिएगा, तो b को अगर इधर लाइएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर आप b का मान निकालना चाहें तो b को इधर लाएंगे तो क्या होगा, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप याद रखेंगे सबसे बड़का जो साइड होता है भुजा जो होता है वह h होता है। अगर h का मान निकालना हो तो छोटा वाला दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर p का मान, p भी तो छोटा, कोई भी छोटा हो सकता है, p और b में कोई छोटा हो सकता है, अगर p का मान निकालना हो तो सबसे बड़का में से एक दूसरा वाला छोटा को आप घटा दीजिएगा, b का मान निकालना हो तो सबसे बड़ा वाला में से एक छोटा वाला को घटा दीजिएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को आप आराम से याद रख सकते हैं। अब फॉर्मूला देखते हैं आगे। अब अगला फॉर्मूला देखिएगा। अगला फॉर्मूला में आप लोगों को यहाँ से ये समझना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, या त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 गो होता है। ये 6 गो को के बारे में आप लोग को ही पढ़ना है पूरा, और इसी से आगे आप लोग को बढ़ते रहेगा, हमेशा यही 6 गो रहेगा। पहला जो होता है ना साइन, यानी कि फुल फॉर्म है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं SIN, ठीक है। और दूसरा होता है कोसाइन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं COS यानी कि कॉस। तीसरा होता है टेंजेंट, और टेंजेंट को शॉर्ट में हम यूज करते हैं TN tan, ठीक है। और एक होता है कोसेकेंट, यानी साइन का जो उल्टा होता है उसको कोसेकेंट बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक। और ये जो कोसाइन है इसको उलट के उल्टा जो होता है वो सेकेंट होता है, यानी कि इसको सेक बोलते हैं। और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है, और कोटेंजेंट को शॉर्ट में कॉट लिखते हैं। यानी कि आप ये जानते हैं कि साइन, कॉस, टैन, और ये कॉट, सेक और कॉसेक किसी भी तरह से उलट पुलट के भी आप बोल सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और अब रही बात कि ये साइन किसे कहा जाता है, कोसाइन किसे कहा जाता है, तो इसका आप परिभाषा यहां से आप बना सकते हैं। कैसे, समझने का प्रयास कीजिएगा।
कि अगर आपसे पूछा जाए साइन किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे कि पी और एच के अनुपात को, तो पी को क्या बोलते हैं लंब और एच को क्या बोलते हैं कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन कहा जाता है। इस तरह से आप परिभाषा बना सकते हैं। कॉस, अब कॉस किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे बेस और हाइपोटेनस यानी आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहा जाता है, ठीक है, कॉस कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं और छह फॉर्मूला आप आराम से बना सकते हैं। ये बात हमेशा के लिए याद जरूर रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। अगर आप ये तीन को याद रख लेते हैं तो तीन को आपको आसानी से याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होती है, पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बटा एच। टैन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा बी। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो एच बटा पी। कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है तो सेक का एच बट्टा बी। टैन थीटा का पी बट्टा बी होता है तो कॉट होगा, उसका उल्टा कॉट तो कॉट का बी बट्टा पी कर देंगे। और इसको अगर याद रखने का एक तरीका भी है, ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, पी बी पी बट्टा एच एच बी। इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और ऐसे याद रखिएगा, ये जो वैल्यू होगा ये साइन का, ये जो है कॉस का और ये जो है टैन का, और इसी को उलट के आप देखिएगा तो ये कॉसे का होगा, ये सेक का होगा और ये कॉट का होगा। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। एक और तरीका है, लाल बटे कक्का करके भी आप याद रख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये तरीका आप दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको हमेशा के लिए ये वाला याद रहेगा। एक और आपको बात करते हैं, अब आगे देखिएगा, अगला जो आप लोगों का फॉर्मूला, यहां से अब आता है सबसे बड़ा चीज कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला में आप लोगों को ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम का है। देखिएगा ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर वन है तो इससे हम दो गो फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, पहला साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो कॉस को आप उधर ले चलिएगा तो प्लस कॉस, इधर आके माइनस कॉस हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस का मान निकालना चाहे तो साइन को इधर ले आएंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे आप दो गो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर वन। यहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया जा रहा है, सबको हम जब पढ़ाएंगे आप लोगों को पूरा तो उसमें हम प्रूफ करके भी सारा फॉर्मूला को आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर वन, इससे आप दो गो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का और टैन स्क्वायर थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा निकालना तो माइनस टैन है, इधर आके प्लस टेन हो जाएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है ना, तो टेन को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, वन को इधर लाना होगा, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखेंगे। इसको उल्टा याद रखिएगा, ये टेन माइनस में तो माइनस वाला को उधर ले जाएंगे तो प्लस में, वन को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आएगा, ठीक है। और तीसरा देखिएगा, इसी का तीसरा फॉर्मूला आप गौर से देखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन होगा, इससे आप कॉसेक का मान निकाल सकते हैं, कॉट का मान निकाल सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना तो माइनस में कॉट है, इसको लाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो आप यहां से निकालेंगे, माइनस से इधर आके प्लस हो गया तो प्लस में लिख दिया, और ये वन को इधर ले जाइएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर फॉर्मूला आप लोगों का क्या है, चौथा नंबर है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन होगा, इसे आप साइन थीटा निकाल सकते हैं तो क्या लिखेंगे, गुना में कॉसेक है तो ये बटा में चला जाएगा तो वन बाई कॉसेक। लेकिन कॉसेक का मान निकालना तो साइन को बटा में भेज दीजिएगा तो वन बाई साइन थीटा। इस तरह से बना बनाकर आप याद रखिएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है तो कॉस इंटू सेक वन होगा। अगर आपको कॉस का मान निकालना हो तो सेक को आप बटा में भेज दीजिए तो वन बाई सेक लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेक का ही मान निकालना हो तो कॉस को बटा में भेज दीजिए तो वन बाई कॉस लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पांचवा नंबर फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगला फॉर्मूला पर, देखिएगा अगला फॉर्मूला आप लोग के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बुआ सब, ये लास्ट फॉर्मूला है छठा नंबर कि टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टैन इंटू कॉट का मान एक लिखेंगे, इससे भी आप दो गो निकाल सकते हैं, टैन थीटा बराबर गुना में कॉट है तो बटा में चला जाएगा तो वन बाई कॉट लिख सकते हैं। कॉट का निकालना हो तो ये टैन को बटा में भेज देंगे तो वन बाई टैन लिख सकते हैं, ठीक है। सातवां नंबर आपको याद रखना है, टैन थीटा का एक और फॉर्मूला एक्स्ट्रा होता है कॉट थीटा का। जैसे देखिए टैन थीटा का यह भी लगा सकते हैं, कॉट थीटा का यह भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर साइन और टैन और कॉट का एक स्पेशल फॉर्मूला आप लगाएंगे, साइन बटे कॉस, यानी साइन में अगर कॉस से भाग देंगे तो आपका ये कितना आएगा, टैन थीटा, यानी टैन थीटा को आप साइन बटे कॉस लिख सकते हैं या साइन बटे कॉस को आप टैन लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस बटे साइन, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, आप ऐसे याद रखेंगे।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जनरली तौर पर 8 फॉर्मूला ही ज्यादा आप लोगों को यूज होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला आप लोगों को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसमें यह तरीका बड़ी आसान है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। साइन जो बदलता है वो कॉस में और कॉस जो बदलता है वो साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में। इस तरह से आप याद रखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा और टैन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा। यही कॉट 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो टैन में आ जाएगा। तो ये सबसे आसान फॉर्मूला यही है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। तो इस तरह से ये सारा फॉर्मूला आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक दो बार इसको आप खुद से लिख के जरूर देखिएगा और उससे पहले आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको याद भी हो जाए, और जब याद हो जाए तो एक बार लिख के खुद से जरूर चेक कीजिएगा। और आपको बता दें एक और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और आप लोगों का बच गया, वो आपको हम बता दें। ये हम कल आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का मान याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, तो इसके बारे में तो आपको पहले से पता ही है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो नहीं मिला होगा तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से इस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक का मान आसानी से याद कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बताएं। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला हो गया। तो अंत में हम आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। सवाल यह है कि रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है कॉस थीटा, दूसरा ऑप्शन है साइन थीटा, तीसरा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा और चौथा ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा। इन चारों में से कोई एक को सही है, इस सही आंसर का चुनाव करके आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और आप लोग को यह भी बताना है कि वीडियो ये कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।